जय श्री कृष्णा। नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और इस वक्त हम जा रहे हैं रुद्रपुर, और क्योंकि आज त्योहार है तो ऑब्वियसली दीके वहां जा रहे हैं, हम बच्चों से मिलने भी जा रहे हैं। दर्शकों, आज हम रुद्रपुर के एक टेंपल जा रहे हैं जहाँ का नाम है स्कॉन टेंपल। इस टेंपल के बारे में हमें अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला अपने कजिन ब्रदर के थ्रू, और काफी दिनों से हम सोच रहे थे कि हमें वहाँ जाने का मौका मिले पर हम नहीं जा पा रहे थे। तो आज हम फाइनली हमने सोचा है कि हम वहाँ जाएंगे, आज हमें मौका मिला है वहाँ जाने का। तो आज हम पहली बार स्कॉन टेंपल जाएंगे और हमें पता भी नहीं था कि रुद्रपुर में भी स्कॉन टेंपल है। स्कॉन टेंपल राधे कृष्णा का टेंपल है। आज हमारे माधव हमें वहाँ लेके जा रहे हैं। वो आपको स्कॉन टेंपल के बारे में बताने के लिए अभी बहुत कुछ है, तो सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले अभी हम यहाँ से दीकेवा जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हम दीकेवा पहुँच चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे यहाँ से टेंपल, तो बच्चे भी आ रहे हैं हमारे साथ। हेलो दर्शकों, हैप्पी बसंत पंचमी कह दो। हैप्पी बसंत पंचमी। हेलो गाइस, नमस्ते, हरे कृष्ण, हैप्पी बसंती। हैप्पी बसंती गाइस, हैप्पी बसंती, 16 की बसंती, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। हेलो दर्शकों, तो हम निकल चुके हैं और अब शाम होने को है, 6 बज गया है और अब हम जा रहे हैं कहाँ? सेकंड टेंपल नहीं बेटा, स्कॉन टेंपल। स्कॉन टेंपल जा रहे हैं और हम पहली बार जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा पूछ के जा रहे हैं। कहाँ आ गए हम? हम आ गए टेंपल माधु जी के। माधु जी के टेंपल? गाइस, ये ग्रीन पार्क रुद्रपुर में है। ग्रीन पार्क के अंदर घुस के थोड़ा सा 100 मीटर आगे जाके, 100 से 150 मीटर आगे जाके स्कॉन, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा स्कॉन टेंपल की स्थापना हुई थी। आज हमें सौभाग्य मिला है यहाँ आने का, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि पहली बार हम कदम रख रहे हैं और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चले गए क्या वो? हाँ हाँ, शरद बाबू, शरद बाबू। Thank you.
कैसा लगा आप दोनों को? अच्छा। अरे अच्छा बोलो, कैसा फील हुआ बताओ दर्शकों को? बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे सामने बैठे हैं। सामने तो थे बेटा, हर जगह है भगवान, हर जगह चारों तरफ भगवान ही भगवान है। अच्छा उनका मेन मैसेज क्या था, क्या बोला उन्होंने आपके लिए, बच्चों के लिए? कि बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, संस्कार दीजिए और उनको भगवान की भक्ति सुनाइए, भक्ति कराइए, भक्त करवाइए और उनको अच्छी अच्छी स्टोरी समझाइए और स्टोरी दिखाइए। वेरी गुड, मतलब ध्यान से सुना है। और अच्छा इन्होंने प्रसाद भी दिया और ये पा रहे हैं। और यीशु को क्या मिला? यीशु को दिखाओ, दिखाओ कितने पॉपकॉर्न दिए, कितने पॉपकॉर्न दिए, देखो यीशु को। तो दर्शकों हम वहाँ से वापस आ चुके हैं और इतना अच्छा लगा, इतनी शांति महसूस हुई कि मैं आपको शब्दों में शायद बता भी नहीं सकती, और बाकी बातें मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो बताइए अंजना जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका स्कॉन आके? तो दर्शकों मतलब मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सभी को, इवन बच्चों तक को इतनी खुशी हुई भारा के वो बोलना, हमें बहुत अच्छा लगा। और मतलब यहाँ की जो फीलिंग थी वो आप खुद ही आके फील कर पाएंगे, वो मैं आपको शायद ट्रांसफर भी ना कर पाऊँ। तो आज हम आए तो बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे बहुत सारे भक्त थे, कृष्ण भक्त, जिन्होंने जब हम गए तो एक्चुअली वहाँ पे पूजा आरती का समय होगा था, तो हमारे जाने हम जब गए थे वहाँ, तो हम जाने के बाद 5 मिनट आई थिंक बैठे होंगे, उसके बाद सब पूजा हुई। तो पूजा आरती जब समाप्त हुई उसके बाद हमने जो वहाँ पे जितने भी डिवोटीज थे, कृष्ण भक्त थे, उनसे बात करी सारे प्रभु जी से। तो एक प्रभु जी ने हमें काफी देर तक काफी बहुत कुछ ज्ञान दिया, काफी कुछ बताया, और जो कि आप बच्चों के मुंह से भी सुन रहे हैं कि उन्होंने हमें बताया कि मतलब बच्चों को भक्ति कराइए, या फिर उन्हें हमारे शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, हमारे पुरानी कथाओं को सुनाइए। इस्कॉन टेम्पल मेन जो है वो मायापुर बोला उन्होंने, पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे चैतन्य जी का जन्म हुआ था, हाँ वहाँ पर है मायापुर में। और वैसे इसके जो ब्रांचेस हम कह सकते हैं वो आज की डेट में काफी जगह पर है, बड़े बड़े शहरों में, इंडिया और इंटरनेशनली भी। एक्चुअली शुरुआत ही शायद इंटरनेशनल से हुई थी ना, प्रभुपाद जी ने शुरुआत करी थी आइस्कॉन टेम्पल की, उन्होंने ही यहाँ से जाके, इंडिया से जाके वो गए थे यहाँ से आउट ऑफ इंडिया, वहाँ जाके उन्होंने कृष्ण भक्ति फैलाई, डिवोटीज क्रिएट करे, और ऐसे ऐसे डिवोटीज क्रिएट करे जो डिवोटीज मतलब क्या कह सकते हैं इस चीज को, फॉरेन्स के हैं वो सब, मतलब जितनी कृष्ण भक्ति या जितनी भक्ति मैं कहूँ हमारे इंडिया में है, कहीं ज्यादा उन्होंने वहाँ पे बनाए कृष्ण भक्त। तो थोड़ा बहुत अब आपको ऋतु दी बताएंगी, और अपने शब्दों में कि उन्हें कैसा लगा, और थोड़ा बहुत जो भी वो बताना चाहेंगी। तो अब बताइए आप। नमस्ते दर्शकों, सबसे पहले एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे और हम बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे यहाँ पर आने का, लेकिन कभी किसी ना किसी वजह से नहीं होना पा रहा था, आना यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, बट इस बार हम लोग आज आ पाए और हमारे माधव ने हमको यहाँ पे पहुँचा दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ। तो एक्चुअली यहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टाइम से ऐसा रियलाइजेशन हम लोग को हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं ज़िंदगी की जो भाग दौड़ होती है ना उसमें इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि हम असली एक रियलिटी जो है वो लाइफ की हम उसको नहीं जानते। तो आप हम लोग ने कुछ टाइम से हमने गीता पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैं आप सब लोग को सजेस्ट करूँगी आप लोग पढ़ें भगवद गीता, क्योंकि भगवद गीता से जो ज्ञान आपको मिलेगा वो आपको और किसी किताब से नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है तो हमें समझ में आया कि लाइफ क्या है, और तब हमने रियलाइज़ किया कि जो मटेरियल चीज़ों से हम अपनी हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, हम लोग, होता था पहले, मेरे साथ भी हुआ है कि कई बार सक्सेस में या फिर चीज़ों में लोग हैप्पीनेस ढूंढते हैं, ऐसा नहीं होता है लाइफ में। आपको जो रियल हैप्पीनेस मिलती है वो पीस, जो पीस आपके अंदर मिलती है ना भगवान को पूजा करने से, भगवान को याद करने से। और सबसे बड़ी बात, हम लोग कृष्ण भक्त शायद इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने हमें चुना था, हमने उन्हें नहीं चुना, उन्होंने हमें चुना है, वो हमारे घर में आए, उन्होंने जो भक्ति हमें प्रदान करी है वो हमारे लिए प्राइसलेस है। तो
मैं विश करूंगी कि आप सबकी लाइफ में उनका आना जल्दी हो और वो आपको बहुत सारा ज्ञान दे। क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला, लोगों को बातें पता। देखिए गाइस, ऐसा होता है ना, अब जो चीज हम तक अच्छी चीज पहुंची है वो हम आप तक पहुंचाए, ये हमारा कर्तव्य भी होता है और हमें पहुंचाने भी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी की अच्छी, क्योंकि ऐसा होता है लाइफ में, हमारे साथ, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा, बहुत के साथ होता है कि हम दूसरों को देखकर ही चीजें सीखते हैं। तो जब हमारे अंदर कोई, हमें लगता है हमारे अंदर कोई गुड क्वालिटी पैदा हुई है या हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें वो चीज़ आप तक भी पहुंचानी चाहिए। और जब से ये बात मैंने कभी शेयर नहीं करी आज से पहले अपने व्लॉग में, बट आज हम आइसकॉन टेम्पल आए थे और वहाँ आने के बाद जो हमें शांति महसूस हुई है और वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसकी वजह से आज ये बात मैं बोलना आपसे चाहूंगी कि जब से हमारी लाइफ में माधव आया, हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ऐसे नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स भी है, बट अब उन प्रॉब्लम्स को झेलने की या उनसे लड़ने की जो एक हिम्मत है वो आ चुकी है। और अब लगता है कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हमारी जो खुशी है या भक्ति है माधव को लेके वो उसके आगे छोटी पड़ जाए। तो मतलब ये चीज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। एक डिवोटी समझ सकता है, एक कृष्ण भक्त समझ सकता है, एक वो इंसान समझ सकता है जो भगवान के पास रहता है, भगवान के पास जाने की कोशिश करता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी अंत में कि भक्ति करिए और पूजा करिए और अच्छे काम करिए, गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, जिससे आपको लाइफ का असली मतलब समझ में आए और आप भी उन चीजों के पीछे ना भागे जिन चीजों के पीछे कई बार हम भागने लगते हैं और खुशी ढूंढने लगते हैं अपनी, और असल में हमारी खुशी उनमें होती नहीं है। तो जय श्री कृष्णा भी इतना ही बोलना चाहूंगी, बाकी बोलने के लिए बहुत 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 कुछ है बट एक समय में कितना ही बोल सकती हूँ, तो जितना मैंने बोला उतने से ही आप समझने की कोशिश करिएगा। बाकी अभी हम लोग उतरे हैं यहाँ पे, जीजू और दीपक गए हैं कुछ सब्जियां वगैरह लानी थी तो सब्जियां लेने गए, तो उस बीच मैंने सोचा कि आपको ये सब बता दूं, आपसे बात कर लूं। अब हर संडे इस्कॉन जरूर जाइएगा। हाँ, तो इन्होंने हमें बताया कहीं पे भी ब्रांच, हाँ इन्होंने हमें बताया कि संडे को इस्कॉन आप आ सकते हैं टेंपल, तो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट संडे भी आएंगे और मैं तब भी बनाऊंगी व्लॉग, आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी एक सरप्राइज और आने के बाद में फसला है, वो अभी आपको अभी नहीं बताऊंगी मैं, अभी वो आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी, वो यहीं से रिलेटेड है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके आज, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी अपनी किसी व्लॉग में। तो बस बने रहिए मेरे व्लॉग में और भक्ति फैलाते रहिए। जय श्री कृष्णा, भक्ति के रस में डूबते रहिए। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, बहुत देर से कहना चाह रही है कुछ, बताओ। पहले हम घर पहुँच गए, तो गाइस हम घर पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर मेरे को अच्छा लगा, सबको भी अच्छा लगा। वो भगवान की भक्ति वो थी, आपने देखा होगा तीन कृष्णा जी थे, मैंने उनको इतनी पहली बार देखा था ऐसे भगवान, तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ आ भी जाइएगा और प्लीज़ गाइस दर्शन कीजिए, भक्त बनिए कृष्णा जी के, महादेव जी के लिए। और आपने देखा होगा कि कितने कितने सारे भक्त थे और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने तो मेरे को तो ये फूल भी दिया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्त करो, जब मैंने आप लोग को देश में भेजा कि मेरी भक्त करो। हाय जीजू, क्या बना रहे हो? क्या ये शाही पनीर? बाय शु, बाय, जा रहे हैं हम, अब संडे को आएंगे। कुछ बोलना चाहते हो आप मेरे दर्शकों से? नहीं। नहीं, बाय बोल दो। चलो बाय गाइस। तो अभी रात के 11:15 हो चुके हैं और हम लोग अभी दीके वहाँ से आ चुके हैं, तो हमने डिनर वगैरह किया। मैं वो सब शूट करना बिल्कुल सच में भूल गई थी, क्योंकि हम लोग बनाया खाया तो हम लोग अपना बातें बातें कर रहे थे। तो अब हम निकल रहे हैं 11:15 यहाँ से, तो अब हम जा रहे हैं सीधे घर, मिलते हैं आपको सीधे। हेलो दर्शकों, तो रात के 12:10 है और अभी हम घर पहुंचे हैं, और तो काफ़ी अच्छा लगा आज, और बाकी सब तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही। तो आई होप आपको आज का वीडियो व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।